बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। 2 किलो मटन ले लिया है। देगची को हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें पानी उबल रहा है। उबलते पानी में हम मटन डालेंगे। इसे हम 2 घंटे तक उबालेंगे। अब ये उबल चुकी है, इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब हमने पतीले को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम घी डालेंगे। कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज का रंग सुनहरा होने तक हम इनको पकाएंगे। अब प्याज का रंग सुनहरा हो चुका है। इसमें हम कटे हुए टमाटर और सब्ज मिर्च डालेंगे। कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। इनको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। अब हमारे टमाटर गल चुके हैं। इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। नमक डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे। इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे 5 मिनट हो चुके हैं। उबले हुए मटन को हम निकाल कर पतीले में डालेंगे। इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें मटन की यखनी डालेंगे। मटन की यखनी कम थी तो हमने इसमें सादा पानी डाल दिया है और 2 लीटर हमने इसमें पानी डाला है। पानी को जब उबाल आ जाएगा तो इसमें हम चावल डाल देंगे। 1 किलो चावलों को हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है। इसे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसमें उबाल आ चुका है। अब हम पतीले में चावल डाल देंगे। अब हम चावलों को दम पर रखेंगे।
इसे हम तकरीबन आधे घंटे तक दम पर रखेंगे। इसे आधा घंटा हो चुका है, चावलों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमारा मटन पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पाकिस्तानी क्रंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें।